हेलो स्टूडेंट, आपका चल रहा है यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पिछली वीडियो हुई थी उसमें हुआ था आपका कि कोई भी विद्युत ध्रुव है, विद्युत ध्रुव आप जानते हैं क्या होता है, एक माइनस क्यों और प्लस क्यों का युग्म क्या कहलाता है, बीच की अति अल्प दूरी 2a मान ले, तो ये जो युग्म बनता है ये विद्युत ध्रुव कहलाता है। अब इसको क्या करना है आपको कि विद्युत क्षेत्र में थीटा कौन से, यानी थीटा वन से थीटा टू घुमाया, ठीक है। जब आपका फॉर्मूला आया था PE cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू, अब इसको मान लीजिए साम्य अवस्था से, किससे, साम्य अवस्था से। साम्य अवस्था वो होती है जब विद्युत ध्रुव आघूर्ण P वेक्टर की दिशा और E वेक्टर की दिशा एक समान हो जाए। एक समान का मतलब है कि थीटा इजिकल टू कहाँ हो, कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। अब उसे 0 डिग्री से घुमाया जाएगा तो cos थीटा वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और मान लीजिए थीटा कोण तक घुमाया जाए तो फाइनल फॉर्मूला आपका आया था कि साम्य अवस्था से घुमाने पर PE 1 माइनस cos थीटा, ये विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य था। ये वीडियो रहेगा क्या रहेगा कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा, ठीक है। अब जो साम्य अवस्था में स्थिति ऊर्जा होगी और थीटा कोण पर अगर मान ली विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर घुमा दें तो जो ये कार्य है ये भी किस में यानी रूपांतरित हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा के रूप में हो जाएगा। तो समझे कि बाह्य विद्युत क्षेत्र है और वह भी आपके सिलेबस में कौन सा है, एक समान यानी यूनिफॉर्म है, क्या है, यूनिफॉर्म। तो देखिए यहाँ परिभाषा क्या बनेगी आपकी कि स्थिति ऊर्जा क्या होती है, कि आपने आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा पढ़ी, वो क्या होती है कि अनंत से आवेशों को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य क्या कहलाता है आपका, स्थिति ऊर्जा। अब यहाँ पर किसको ला रहे हैं अपन, विद्युत ध्रुव को, तो विद्युत ध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य क्या कहलाएगी, विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा कहलाएगी। तो परिभाषा तो क्या बनी किसी विद्युत ध्रुव को, किसी विद्युत ध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर, विद्युत क्षेत्र में लाने पर जो कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है वह विद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, हो जाता है। अब समझे पहले तो अपन साम्य अवस्था में ले आए, कैसे, देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये यूनिफॉर्म कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई वेक्टर की डायरेक्शन, कोई दिक्कत है इसमें। अब आपका जो इलेक्ट्रिक क्या होगा, डाइपोल होगा, विद्युत ध्रुव होगा, वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यों और प्लस क्यों का युग्म, बीच की दूरी कितनी मानते हैं, 2a। अब ये कहाँ है आपका, इन्फिनिटी पर है यानी अनंत पर है, और अनंत से कहाँ लाया जाएगा आपका, विद्युत क्षेत्र में लाया जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा कार्य, अब समझे, इस विद्युत ध्रुव को इस प्रकार लाया जाता है कि जो पे देखो यहाँ से ये विद्युत ध्रुव बनाया मैंने माइनस क्यों और प्लस क्यों और ये 2a, और आपको पता है कि इसमें क्या होगा, विद्युत ध्रुव आघूर्ण होगा, जिसकी दिशा कहाँ होती है, माइनस क्यों से कहाँ होती है, प्लस क्यों होती है। तो बताओ इसकी दिशा, ये पी वैक्टर की दिशा माइनस क्यों से पी यानी क्या होगा, प्लस क्यों की ओर हो गई। तो इसको विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार लाया जाता है कि P वेक्टर और E वेक्टर की दिशा क्या रहे, समान रहे, यानी इसको क्या लाया जाएगा, समांतर लाया जाएगा। क्यों लाया जाएगा कि पहले ये ऐसे ही आएगा तो कोई भी एंगल नहीं बनेगा, थीटा बराबर कितने डिग्री बनेगा, 0, और जब थीटा बराबर 0 बन रहा है तो वो कौन सी अवस्था है, साम्य अवस्था, कौन सी, साम्य अवस्था, ठीक है। अब देखिए मेन बात समझने की क्या है इसमें, कि जब इसको इन्फिनिटी से लाया जाएगा, कहाँ लाया जाएगा, विद्युत क्षेत्र में। तो देखिए ये विद्युत क्षेत्र में लाए तो होगा क्या, ये माइनस क्यों और ये क्या होगा आपका, प्लस क्यों, ये इन्फिनिटी से इसे लाया जा रहा है, अब समझे, और बीच की दूरी ये 2a,
आपको पता है कि प्लस क्यों के कारण जो विद्युत बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, तो बताओ इस पर ये प्लस क्यों है, तो इस पर बल बताओ इधर होगा या नहीं होगा, एफ बराबर प्लस क्यू ई होगा या नहीं होगा, ठीक है। और ये बताइए इसमें माइनस क्यों के कारण जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, तो ये इसकी दिशा कहाँ हो जाएगी, इधर, ये एफ बराबर कितना हो जाएगा, माइनस क्यू ई। अब समझने का लॉजिक यहाँ आता है, देखो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है, ये इसमें आकर जो कार्य करना पड़ेगा वो थीटा बराबर जीरो पर साम्यावस्था में है, फिर इसको क्या किस कोण पर घुमा देंगे, थीटा कोण पर, तो आप जानते हैं थीटा कोण पर जब इसे घुमाया जाता है तो किया गया कार्य कितना होता है, W बराबर पी ई वन माइनस कॉस थीटा। तो इसको घुमाने का तो अपन को पता है कार्य, वो तो अपना पहले ही डेरिवेशन में कर चुके, अब डेरिवेशन में क्या करना है कि इसको समांतर लाने में यहाँ एडजस्ट करने में कितना कार्य करना पड़ा, ये और निकालना है। तो देखिए समझे, प्लस क्यों के पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो बताओ ये बल भी इधर लग रहा है और विद्युत क्षेत्र भी इधर ही है, ठीक है, तो बताओ इसमें आकर्षण हो रहा है या प्रतिकर्षण हो रहा है, इसको लाएंगे तो बल इधर लग रहा है, तो बताओ विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, विरुद्ध। और ये देखिए माइनस क्यों जो बल लग रहा है वो भी इधर लग रहा है, यानी इसको विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, यानी अपन को लाना इधर है, ठीक है, यही कर रहे हैं। प्लस क्यों ई इधर है और माइनस क्यों ई इधर है, तो बताओ लाने में हेल्प कौन करेगा, माइनस क्यों ई, और अपोजिट कौन है, प्लस क्यों ई, तो बताओ इसमें। और मैंने बताया जो अपोजिट होता है, जो विरुद्ध कार्य करना पड़ता है आपको, वो तो किसको दर्शाता है, प्रतिकर्षण को, भाई प्रतिकर्षण होगा यानी एक दूसरे से दूर हटेंगे तभी अपन विरुद्ध कार्य होगा, जिसमें तो क्या हो रहा है आकर्षण, क्या हो रहा है आकर्षण, और इसमें क्या हो रहा है आपका प्रतिकर्षण, बताओ हो रहा है नहीं हो रहा, भाई इधर विद्युत क्षेत्र की तरफ ला रहे हैं अपन तो इधर ही बल लग रहा है तो आकर्षित हो रहा है, और विरुद्ध है तो क्या हो रहा है प्रतिकर्षण हो रहा है। तो आपको पता है आकर्षण में, आकर्षण में जब आराम से आ रहा है तो बताओ क्या कोई कार्य करना पड़ता है, नहीं, बल्कि कार्य क्या होता है, प्राप्त होता है, ये बताया था मैंने, और इसमें कार्य अपन को करना पड़ेगा, इसमें उतना ही प्राप्त होगा, भाई देखो जितनी ये दूरी चलेगा उतनी ही आगे बढ़ेगा, यहाँ तक लाए अपन, देखिए यहाँ तक लाए तो बताओ जितनी दूरी इसने चली उतनी ही दूरी इसने चली, तो बताओ कार्य प्राप्त हुआ वो ऋणात्मक, कार्य क्या हुआ अपन ने किया गया वो धनात्मक, दोनों को जोड़ेंगे तो बताओ यहाँ तक लाने में किया गया कार्य कितना है, जीरो, कितना है, जीरो। लेकिन फर्क कहाँ आता है कि जब मान लीजिए एंटर करता है इसमें, जब इसमें एंटर करता है तो देखिए यहाँ एंटर करेगा विद्युत क्षेत्र में, तो बताओ ये एक्स्ट्रा यहाँ आकर ये जैसे यहाँ आ गया तो बताओ इसने विद्युत क्षेत्र के अंदर कितनी दूरी तय करी, 2a, लेकिन ये किनारे पर ही रह जाएगा कौन सा, प्लस क्यों वाला, तो एक्स्ट्रा दूरी कौन का चलेगा, माइनस क्यों ही, एक्स्ट्रा दूरी कौन चलेगा, माइनस क्यों ही, आया समझ में। तो एक्स्ट्रा कार्य किसके द्वारा होगा, माइनस क्यों के द्वारा, यानी हमें प्राप्त होगा, क्या होगा हमें प्राप्त होगा, वो क्या होगा, जो प्राप्त होता है उस कार्य को क्या मानते हैं अपन, ऋणात्मक मानते हैं। तो इसमें लॉजिक क्या है कि जब विद्युत क्षेत्र के अनंत से यहाँ तक लाएगा तो उतना ही कार्य प्राप्त होगा और उतना ही कार्य हमें करना पड़ेगा, तब तो वो कार्य जुड़कर कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन जब इसे जैसे ही अपन विद्युत क्षेत्र के अंदर एंट्री कराते हैं तो माइनस क्यों, माइनस क्यों कितनी दूरी एक्स्ट्रा चलता है, 2a, कितनी दूरी एक्स्ट्रा चलता है, 2a, और माइनस क्यों पर बल कितना लगता है, माइनस क्यों ही, तो बल भी पता है और अतिरिक्त दूरी भी पता है, तो बताइए क्या निकाल लेंगे, कार्य क्या हो जाएगा, बल गुना विस्थापन, आ गया समझ में, ये लॉजिक है इसमें। तो देखिए विद्युत दो ध्रुव को अनंत से इस प्रकार लाया जाता है, इस प्रकार लाया जाता है कि P वेक्टर व E वेक्टर की दिशा समान रहे। कोई दिक्कत, इधर ही P वेक्टर है और इधर ही क्या है आपका E वेक्टर, यानी कहने का मतलब क्या लाया जाता है, समांतर लाया जाता है, ठीक है। तो माइनस क्यू पर लगने वाला वैद्युत बल कितना हो जाएगा, माइनस क्यों ई, ठीक है। बताओ ये क्या हमारे द्वारा किया जा रहा है,
नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये किसके द्वारा किया जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र उसको क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, क्या कर रहा है आकर्षित। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा, स्वयं विद्युत क्षेत्र द्वारा, स्वयं विद्युत क्षेत्र द्वारा। एक क्या है आपका प्लस के ऊपर लगने वाला विद्युत बल प्लस क्यू ई, ठीक है, जो क्या है किसके द्वारा, प्लस क्यू ई द्वारा या विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, के विरुद्ध, समझे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा आपका कि यहां से प्लस क्यों प्रतिकर्षण विरुद्ध कार्य करने पड़ेगा, माइनस क्यों पर कार्य प्राप्त होगा। जैसे ही यहां तक आएगा तो किया गया कार्य शून्य है, लेकिन जब विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो माइनस क्यों कितनी अतिरिक्त दूरी चलता है, 2a, ठीक है। तो यहां लिख लें आप, जब विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, करता है तो माइनस क्यों आवेश 2a दूरी अतिरिक्त चलता है, तब माइनस क्यों आवेश द्वारा किया गया कार्य, और कार्य क्या होता है आपका, बल गुणा विस्थापन। तो माइनस क्यों आवेश द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, माइनस क्यों आवेश पर बल, बल इंटू क्या आ जाएगा, अतिरिक्त दूरी, अतिरिक्त दूरी। तो देखिए यहाँ से ये क्या मान लिया आपने, W1 माइनस क्यों आवेश पर कितना बल लग रहा है, माइनस क्यों ई, बीच की दूरी कितनी है आपकी 2a, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से क्या बन गया, 2a क्यों क्या कहलाता है, P, तो यहाँ P इजिकल टू क्या हो गया, 2a क्यों, हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ से W1 बराबर कितना आ जाएगा आपका, माइनस PE। देखो माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है कि माइनस क्यों पर बल जो विद्युत क्षेत्र के द्वारा लग रहा है वो कौन सी प्रकृति का है, आकर्षण का है, इस वजह से हमें कार्य क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये आ गया, ये तो क्या है कि जब इसको लाकर साम्य अवस्था में लाए गए, किस में लाया गया, साम्य अवस्था में, ये इक्वेशन नंबर 1। अब विद्युत ध्रुव को साम्य अवस्था से थीटा कोण पर घुमाने पर किया गया कार्य, ठीक है, ये समांतर यहां एडजस्ट हो गया। अब इसको क्या करेंगे अपन, थीटा कोण पर घुमा लेंगे, किस कोण पर घुमाएंगे, थीटा कोण पर। और थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य आप जानते हैं, W2 कितना आता है, अभी पिछली वीडियो में बताया, W2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, PE1 माइनस कॉस थीटा। समीकरण नंबर कितनी हो गई, 2 आ गया कि विद्युत ध्रुव साम्य अवस्था में आ गया, यानी थीटा बराबर 0 पर है। अब उसे कितने एंगल पर घुमाना है, थीटा एंगल पर घुमाना है। तो घुमाने में किया गया कार्य पिछली वीडियो में आया था W इजिकल टू PE1 माइनस कॉस थीटा। तो बताओ यहाँ से ये तो लाने में साम्य अवस्था तक लाने में कार्य करना पड़ा, और ये आपको साम्य अवस्था से घुमाने में कार्य करना पड़ा। तो साम्य अवस्था की स्थिति ऊर्जा तो कितनी हो जाएगी, माइनस पीई। और थीटा कोण पर अगर रखा हुआ है तो देखो साम्य अवस्था में पहले लाया गया और फिर घुमाया गया, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए किसी विद्युत ध्रुव की थीटा कोण पर स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, U इजिकल टू माइनस PE प्लस PE1 माइनस कोश थीटा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से U इजिकल टू माइनस PE प्लस PE और प्लस PE कोश थीटा, माइनस PE कोश थीटा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये प्लस और नेगेटिव कट जाएगा, ये तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस PE कॉस थीटा।
ये आपकी क्या आ जाएगी, थीटा कोण पर विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव की क्या आ गई है, स्थितिज ऊर्जा। अब इसको क्या लिए, लाने में भी हो गया और घुमाने में भी, तो टोटल कार्य कितना हुआ, माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब अपन बात करते हैं कंडीशन की, किसकी बात करते हैं, कंडीशन। तो देखिए यहाँ से कंडीशन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, स्पेशियल केसेज। फर्स्ट देखिए, थीटा बराबर कितने डिग्री, जीरो डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या है आपका, थीटा बराबर जीरो डिग्री होगा तो पी वेक्टर, देखो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा कि यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ये किस सदिश रूप में हो गया, तो इसका मतलब क्या है, थीटा बराबर जब जीरो है तो पी वेक्टर किसके समांतर है, ई वेक्टर के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अर्थात पी वेक्टर समांतर है किसके, ई वेक्टर के। आ गया, डायग्राम से समझे कि पी वेक्टर, ये पी वेक्टर और ये ई वेक्टर समान दिशा में है, तो बताओ क्या उसको थीटा कोण पर घुमाया गया। भाई जब समांतर ही है तो थीटा बराबर कितने डिग्री है, जीरो, यानी इसका मतलब है घुमाया नहीं गया। तो स्थितिज ऊर्जा केवल कितनी होगी, अनंत से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही थीटा बराबर जीरो पर क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा, तो वही आनी चाहिए। देखिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, एक, तो माइनस पी ई। तो यही तो थी आपकी माइनस पी ई, जब घुमाया नहीं गया उससे पहले स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, माइनस पी ई। आ गया समझ में, चाहे आप तो आप क्या बोलेंगे कि साम्य अवस्था की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, माइनस पी, चाहे यहाँ से डायरेक्ट बोलें चाहे लास्ट में फॉर्मूले में थीटा बराबर कितने डिग्री रख दें, जीरो डिग्री रख दें। आ गया, इसे बोला जाता है स्थायी संतुलन, क्या बोला जाता है, स्थायी संतुलन। और ये ध्यान रखना, स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव लग रहा है तो मिनिमम है, क्या है ये, मिनिमम। आ गया ये केस फर्स्ट समझ में। अब मान लीजिए आपका स्पेशल केस सेकंड, माने क्या माने, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण लंबवत है किसके, ई वेक्टर के। यानी पहले तो देखो, अब इसमें क्या होगा कि पहले तो इसको अनंत से लाकर यहाँ एडजस्ट किया और फिर इसको कितने डिग्री घुमा दिया अपन ने, 90 डिग्री घुमा दिया, कितने डिग्री घुमा दिया, 90 डिग्री। तो लाने में स्थितिज ऊर्जा कितनी है, माइनस पी। आ गया समझ में, और जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो यहाँ 90 रखेंगे, देखिए इसमें घुमाने में किया गया कार्य ये होता है, ये तो लाने में और ये घुमाने में कितने डिग्री घुमाया है, 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पी ई। ठीक है, तो 90 डिग्री घुमाने में तो पी ई और लाने में माइनस पी ई, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, जीरो, तो इन दोनों से भी जीरो आ रहा है। अब देखिए इससे भी कितना आना चाहिए, जीरो, तो देखिए कितना आएगा, माइनस U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। बताओ आ गया समझ में, वहाँ से भी जीरो है और यहाँ से भी जीरो, कैसे भी करें फिजिक्स में डेरिवेशन कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। एक कंडीशन और देखें, केस नंबर थर्ड, थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाए, 180 डिग्री। आ गया, तो यानी इसका मतलब क्या है, पी वेक्टर समांतर तो है ई वेक्टर के, पर क्या है, अपोजिट हो गया, क्या हो गया, अपोजिट। आ रहा है समझ में, तो देखिए पहले तो इन दोनों से समझा देता हूँ, लाने में तो माइनस पी ई होगा, फिक्स है, ठीक है, घुमाना कितनी डिग्री घुमाना है, 180, कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन, माइनस वन और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस, तो टू पी ई, घुमाने में तो 2PE और लाने में माइनस PE, जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का PE, ठीक है, इन दोनों से क्या आया, प्लस का PE। अब इस एक डेरिवेशन से कर लेंगे तो कितना आना चाहिए, प्लस का PE, तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से U इज इक्वल टू माइनस PE cos 180 डिग्री, और cos 180 का मान कितना होता है आपका, माइनस वन, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस PE इंटू माइनस वन, कितना हो जाएगा, प्लस का पी। बताओ आया या नहीं आया, तो आपको एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है कि लाने में और घुमाने में टोटल एनर्जी कितनी होती है, माइनस पी ई कॉस थीटा होती है, वहाँ से टोटल आ जाएगा, नहीं घुमाया तब भी आ जाएगा, 90 डिग्री घुमाया है तब भी आ जाएगा, 180 डिग्री घुमाया है तब भी आ जाएगा। ठीक है, ये हुई आपकी
इसको कहते हैं ये अधिकतम है, क्या है ये अधिकतम, और इसे कहते हैं अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन अवस्था। कई बार पूछा गया है अस्थायी संतुलन अवस्था, ठीक है। न्यूनतम होगी तो स्थायी संतुलन अवस्था, अधिकतम होगी तो अस्थायी संतुलन अवस्था, ठीक है। ये था आपका कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कि समरूप विद्युत क्षेत्र का डेरिवेशन है आपके सिलेबस में, ठीक है। जब देखिए अनंत से किसी विद्युत ध्रुव को लाया जाएगा, और मैंने बताया लाया इस प्रकार जाता है कि P वेक्टर की दिशा और E वेक्टर की दिशा क्या रहे, आपस में समांतर रहे। क्या लाया, तो देखिए यहाँ से जब एंड किनारे तक विद्युत क्षेत्र में लाया जाएगा, तो किनारे तक लाने में जो आपको क्या होगा यहाँ से कि एक प्लस के ऊपर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा इधर, और विद्युत क्षेत्र भी इधर है। तो बताओ जब इसको इधर ले जाएंगे तो बताओ प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। वो कार्य कितना हो जाएगा, क्यू ई बल इंटू विस्थापन, माइनस क्यू पर बल कहाँ लगेगा, विपरीत दिशा में इधर लगेगा, इसको इधर खींचेगा, ठीक है। और अपन को ले जाना भी इधर है, तो बताओ आसानी से चल जाएगा, तो आकर्षण को बता रहा है, तो इसमें तो कार्य प्राप्त होगा यहाँ तक, और इसमें कार्य अपन को करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ तक किया गया कार्य कितना आ जाएगा, जीरो। आ गया समझ में। लेकिन जब इसको विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कराया जाएगा, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कराया जाएगा, तो देखिए माइनस क्यों आवेश है ये यहाँ से अतिरिक्त दूरी इसमें कितना चलेगा, 2a। भैया यहाँ से पूरा प्रवेश करा दिया तो माइनस क्यों के द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी कितनी है, माइनस क्यों। आ गया समझ में। तो जब ये अतिरिक्त दूरी चल रहा है तो अतिरिक्त कार्य भी करना पड़ेगा, वो अतिरिक्त कार्य क्या होगा आपका, बल गुणा विस्थापन, क्या होगा, बल गुणा विस्थापन। तो बल किस पर, माइनस क्यों आवेश पर, बल माइनस क्यों ई, और विस्थापन कितना हो गया, 2a अतिरिक्त दूरी। एंड किनारे तक लाए तो प्लस क्यों के द्वारा भी इतना ही कार्य करना पड़ा, और माइनस क्यों के द्वारा इतना ही प्राप्त हुआ, जुड़कर कितने हो गए, जीरो। लेकिन जब प्रवेश कराया तो यानी यहाँ से अतिरिक्त कार्य कितना करना पड़ा आपसे, माइनस पी ई, ठीक है। यानी ये तो इसको लाने में क्या हो गया, कार्य, और जो लाने में कार्य होता है वही क्या हो जाएगी, स्थिति ऊर्जा। किसकी है ये, साम्य अवस्था की। अब अगर किसी भी कोण पर घुमाया नहीं जाए, और आप जानते हैं जब साम्य अवस्था से थीटा कोण पर घुमाया जाता है तो किया गया कार्य W इज इक्वल टू पी ई वन माइनस कॉस थीटा होता है। तो बताओ ये तो घुमाने में और ये लाने में, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वहां से क्या आ जाएगा, U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। तो यहाँ से वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कॉस थीटा आया तो क्या लगेगा, डॉट, तो U इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ये टोटल एनर्जी आ गई आपकी घुमाने में और लाने में। अब घुमाया नहीं गया तो इसका मतलब लाया गया केवल, तो थीटा बराबर जीरो डिग्री पर माइनस पी ई आ जाएगा, इसे क्या हो जाएगा, मिनिमम एनर्जी होगी स्थायी संतुलन। थीटा बराबर 90 पर कितना हो जाएगा, जीरो। थीटा बराबर 180 पर कितना हो जाएगा, प्लस 2e, यानी अधिक मैक्सिमम होगी, जिससे क्या कहेंगे अपन, अस्थायी संतुलन की अवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे, अस्थायी संतुलन की अवस्था कहेंगे। तो ये आपका डेरिवेशन था। बस एक्स्ट्रा पॉइंट क्या किया कि जो एक्स्ट्रा लाने में एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है वो, और घुमाने में वर्क करना पड़ता है वो, दोनों को ऐड किया है, ठीक है। ये डेरिवेशन था आपका। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं इस जो लेसन नंबर 3 है उसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही सफिशियंट है। धन्यवाद।